कोई कितना भी बड़ा मंदिर हो उसमें भगवान को आप 56 भोग लगाओ, लेकिन 56 भोग के बाद वो 56 भोग जाता कहाँ है? भगवान तो नहीं पा रहे ना। अब ये 56 भोग आज ठाकुर जी को अर्पित लगेंगे तो वो हमारी पेट में जाएगा सबके प्रसाद रूप में, ठाकुर जी थोड़ी पा रहे हैं उसको। मानसिक रूप से हम संकल्प रूप में भगवान को अर्पित करते हैं, बाकी जितना अर्पित करते हैं वो सब रखा रखा भगवान दे दे, दे ले जाओ तुम पाओ। पर असल में भगवान की तृप्ति जानते हो, पेट भगवान की शुदा कैसे शांत होगी? जब उनकी प्रिय गौ माता जो कहीं भूखी प्यासी सड़क पर पड़ी हुई हो, कोई खाना चारा पानी देने वाला ना हो, उसको जाकर के आप अपने हाथ से चारा वहाँ खिला दोगे और वहाँ वृंदावन में बैठे हुए बिहारी जी का पेट अपने आप भर जाएगा, ठाकुर जी की तृप्ति अपने आप हो जाएगी। तो ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। दुख की बात तो ये है कि भारत जैसे देश में, सनातनियों के देश में, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी हमको गौ माता की महिमा बतानी पड़ रही है, ये सबसे बड़े कष्ट की बात है। सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम, और कोई भी किसी भी धर्म से हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब गौ माता की महिमा वर्णन की गई तो ये नहीं कहा गया कि गाय किसी एक धर्म की माँ है, कहा गावो विश्वस्य मातरम्। देश विदेश जाति पाति संप्रदाय ये सब हट करके हमें गौ माता की सेवा आगे बढ़ के करनी चाहिए। तो इसमें कोई अपना जात पात ना सोचे, धर्म अधर्म ना सोचे, केवल गौ माता की सेवा की भाव रख करके गौ माता की सेवा करो। गौ माता को भोजन, गौ माता को चारा, जल, जो आवश्यकता है। जब भोजन नहीं मिलता, जब चारा नहीं मिलता तो शहरों में देखो गाय बिचारी क्या खाती हैं, प्लास्टिक खाती हैं, कचड़ा खाती हैं, हमारा फेंका हुआ जो हमारे घर का जो गंद से गंद वेस्ट होता है, उस वेस्टेज को गौ माता जो दुनिया में सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ खाने की अधिकारिणी है वो क्या खा रही है, वो हमारी गंदगी बची हुई खा रही है। केवल धर्म का झंडा लेने से हम धार्मिक नहीं हो जाते, हमारे धर्म की जो धरोहर है गौ माता उनकी सेवा करिए। सब लोग, समाज के जितने भी लोग हैं, समाज के बड़े बुजुर्ग और आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे ये ना समझे कि गौ माता की सेवा करना ये कोई पुराने जमाने का काम है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पुराना जमाना नहीं होता, वो पुराना जमाना ही है जिसके कारण आप अभी तक बचे हुए हो। उन पुरानी परंपराओं ने ही अभी तक धर्म को बचा रखा है। और वैसे भी तो आजकल देखो, आजकल के जो यंगस्टर हैं, धीरे धीरे उनमें जागृति आ रही है, वो अपने आप को एक शब्द उपयोग करते हैं, एनिमल लवर। तो एनिमल लवर हैं हम, तो एनिमल लवर में तो सभी आते हैं ना, कोई एक ही जाति का थोड़ी आता है। पशु प्रेमी में तो सब आते हैं, यद्यपि हम मानते हैं गाय पशु नहीं है, गाय माँ के स्वरूप में, पर आप अगर पशु प्रेमी भी अपने आप को मानते हो तो भी उस रूप में भी आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। बहुत बड़ी जो युवा लोग हैं, कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, समय समय पर छुट्टियां आती हैं, समर वैकेशन आती हैं, विंटर वैकेशन आती हैं, तो छुट्टियों में हम घूमने जाते हैं, तो घूमने जाइए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। आपको अपने जीवन में कुछ हंसी खुशी खेलना कूदना करना है वो करो, वो एक साइड में, लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा सा समय निकाल करके जब आपकी छुट्टियाँ हैं तो वॉलंटियर रूप में आप जा करके कोई आसपास की ऐसी
संस्था है जो गाय की सेवा कर रही है, जो बुजुर्गों की सेवा कर रही है, वहां भी 5-10 दिन अपने निकालिए उन छुट्टियों में से, वहां जाकर के सेवा करिए। वो जो आनंद मिलता है ना, वो आगे चल कर के आप कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, कितना भी कमा ले, कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन वो जो समय आपने सेवा का दिया है ना, अपना जीवन का कीमती समय, वो सेवा आपके जीवन के अंत तक आपके काम आती है, वही आपके जीवन को मजबूत करती है। तो खासकर प्रार्थना तो सबसे है, पर युवाओं से इसलिए विशेषकर, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा थोड़ा सा जो गौ माता की सेवा है उससे उसको जुड़ना जरूरी है।